हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वनज एंड टूज कॉम्प्लीमेंट किसी नेगेटिव नंबर का लेके हम सब्ट्रैक्शन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं सी सब्ट्रैक्शन के लिए हम डायरेक्ट हार्डवेयर यूज़ करके भी कर सकते हैं बट कॉस्ट बचाने के लिए हम एड्रेस से भी सप्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं खाली हमको नेगेटिव नंबर्स का वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है सो टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल हम लोग क्या करते हैं कोई एक दो नंबर रेफरेंस के लिए ले लेते हैं लेटर से हमारे पास पहला नंबर है 52 और दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 27 तो हम इनका सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे बाई यूजिंग वन एंड टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेटिवली क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ बाकी सारे अलगोरिदम्स में भी काम आता है जैसे बूथ एल्गोरिदम हो गया या फिर रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग डिविजन हो गया हर जगह पर हमको टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन के लिए और वनस कॉम्प्लीमेंट कभी कभार वो लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं रे रह है बट आ सकता है सो लेटर्स क्विकली अंडरस्टैंड उनके बीच में डिफरेंस क्या है तो बिफोर गोइंग देयर लेटर्स फाइंड आउट 52 का बाइनरी क्या होगा तो 52 का बाइनरी कन्वर्जन हमने ये सब ऑलरेडी किया हुआ है बट क्विकली यहाँ पे हम करके देख लेते हैं कि अगर 52 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप टू से इसको डिवाइड करते जाइए फोर 2, 2 होगा एंड ट्वेल्व है तो टू सिक्स इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो जीरो आ गया थर्टीन टू जी सिक्स होगा वंस अगेन कोई रिमाइंडर नहीं है सिक्स टू जाएगा रिमाइंडर बचेगा वन 6 है अपने पास तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा अब टू वन जा टू हो जाएगा बट यहाँ पे थ्री है तो एक रिमाइंडर बच गया हमारे पास और लास्ट में टू जीरो जीरो और रिमाइंडर बचा वन तो ये हमारा बाइनरी है बट यहाँ पे आपको याद रखना रहेगा कि ये एम एस बी है और ये लास्ट वाला क्या होता है हमारे लिए एल एस बी तो हमारा बाइनरी नंबर बन गया वन वन जीरो वन डबल जीरो इसका मैग्नीट्यूड हो गया अब इसमें हमको साइन बिट ऐड करना रहेगा अब कई बार क्या होता है कि हम एट बिट यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए तो अब ये छः बिट का मैग्नीट्यूड है आप एक एडिशनल बिट लगा सकते हैं जीरो मैग्नीट्यूड के लिए और फिर साइन बिट एक हो जाएगा तो टोटल एट हो जाएंगे या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं छः बिट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एक बिट का इसका साइन हो जाएगा तो अगर प्लस फिफ्टी टू है तो इसका साइन बिट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर माइनस रहेगा तो वो माइनस के लिए हम लोग वन लिखते हैं ट्वेंटी सेवन के लिए भी देख लेते क्या आ जाएगा फटाफट सो so, ट्वेंटी सेवन को भी आप टू से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा थर्टीन एज अ क्वेश्चन एंड एज अ रिमाइंडर फिर टू एक रिमाइंडर आ जाएगा थ्री टू जिक्स हो जाएगा तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है टू वन जा टू और एक रिमाइंडर आ जाएगा टू जीरो जा जीरो और एक रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने अगर आपको कन्वर्जन में डिफिकल्टी है तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज है प्लीज उसको पहले चेक कर लीजिए तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिल गया बाइनरी वो है डबल वन जीरो डबल वन अब ये पांच बिट का है बड़े नंबर के बिट के साथ में मैग्नीट्यूड मैच कर देने का तो यहाँ पे बिट का मैग्नीट्यूड था तो इसमें भी एक जीरो ऐड कर दे रहा हूँ मैं मेक श्योर लेफ्ट साइड पे आप ऐड कर रहा तो ये भी छह बिट का मैग्नीट्यूड हो गया अगर प्लस ट्वेंटी सेवन ले रहे तो उसके लिए भी साइन बिट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये हमने फिफ्टी टू और ट्वेंटी सेवन के बाइनरी नंबर यहाँ पे ले लिए प्लस फिफ्टी टू और प्लस ट्वेंटी सेवन अब लेटेस्ट से हमको सब्ट्रैक्शन बोला है करने के लिए तो हमको क्वेश्चन दिया है फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवन दिया ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी टू दिया so, अगर हमें बोला है कि फिफ्टी टू में से आप ट्वेंटी सेवन माइनस करो सो so, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं फिफ्टी टू प्लस माइनस ऑफ ट्वेंटी सेवन तो ये जो ट्वेंटी सेवन है नेगेटिव ट्वेंटी सेवन है इसका हम लोग क्या करेंगे वन और टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में से लिखेंगे पहला तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना तो बहुत आसान है of -27 क्या आ जाएगा? तो उसके लिए आप सारे बिट को खाली इन्वर्ट कर देते है including the sign bit. तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया माइनस ट्वेंटी सेवन का सिमिलरली आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहते तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपली ये जो भी ones आया उसको आप plus one कर दो तो यहां पे अगर मैं last bit को plus one add कर दूंगा तो ये हो जाएगा one, zero, one, zero, zero, one, one. तो ये हो गया और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली आप फिफ्टी टू के लिए भी देख लो अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से रहा ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी टू तो हम इसको ट्वेंटी सेवन प्लस

तो इसके लिए सिंपली हम लास्ट वाले बिट में वन ऐड कर देंगे तो ये वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन में प्लस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा वन वन जीरो कैरी वन वंस अगेन वन वन जीरो कैरी वन ये वन एज इट इज बाकी तो ठीक है एज इट इज आ जाएगा ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस टू ये आ गया हमको ओके okay, सो so जैसा आपने डिस्कस किया लेट अस से पहला क्वेश्चन हमको दिया है 52 में से हमें माइनस करना है 27 सो so इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 52 प्लस माइनस 27 अब इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट से भी सॉल्व करके देख लेते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट से भी तो सबसे पहले हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमें क्या करना है फिफ्टी जो है क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट सेम ही रहता है जो पॉजिटिव नंबर का वैल्यू है यहाँ पे बाइनरी में उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं रहता है प्लीज अंडरस्टैंड नेगेटिव नंबर के ही कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद नंबर चेंज होते अदरवाइज पॉजिटिव नंबर का वनस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सेम रहता है सो वंस कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला है हमारे पास फिफ्टी टू को हमें एड करना है विद माइनस सो फिफ्टी टू इज जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो और माइनस ट्वेंटी सेवन हमारे पास है वंस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते ले हैं डबल वन डबल जीरो वन जीरो जीरो सो तो डबल वन डबल जीरो वन जीरो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं सो जीरो 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 आ गया वन वन में सम विल बी जीरो एंड कैरी इज वन और ये वन आ जाएगा ये वन again 11 is 0 carry 1 11 is 0 एंड कैरी 1 ये जो लास्ट वाला जो कैरी जनरेट होता है ना 1s कॉम्प्लीमेंट में ये आप ध्यान से समझिए 1s कॉम्प्लीमेंट में जो लास्ट वाला कैरी जनरेट होता है इसको एंड अराउंड कैरी बोलते हैं ये कैरी हम यहाँ पे ले जाके लास्ट वाले नंबर से ऐड कर देंगे लास्ट वाले बिट से एल एस बी से हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो ये नंबर हो जाएगा एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ठीक है अब इसमें आप देख सकते हो कि एम एस बी जो साइन बिट है वो क्या है जीरो है मतलब हमारा नंबर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और ये इस पर्टिकुलर आंसर का मैग्नीट्यूड है अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल में तो इसका वेट है वन फिर बाद में ये एट और सिक्सटीन तो सिक्सटीन प्लस एट प्लस वन ये बन जाएगा कितना ट्वेंटी फाइव सो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया प्लस ट्वेंटी फाइव एज एक्सपेक्टेड है ना फिफ्टी टू में से ट्वेंटी सेवन गया तो कितना आना चाहिए ट्वेंटी फाइव so, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने कोई सब्ट्रैक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं किया बट वंस कॉम्प्लीमेंट लेके हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं याद रखने वाली बात क्या है कि अगर एंड अराउंड कैरी जनरेट हुआ तो इसको हम क्या कर देते ऐड कर देते हैं यहां पे और हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है हम इसका उल्टा परफॉर्म करके देख लेते हैं उल्टा इन द सेंस अगर 27 माइनस 52 बोला है तब क्या करेंगे वी विल राइट 27 को हमें ऐड करना है विद माइनस 52 इसको भी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर लेंगे तो पहला आ जाएगा 27 प्लस 27 इस बार यहाँ पे लिखना है कोई गलती मत करो नंबर्स कॉपी करने में हमने अच्छे से बनाया हुआ है पूरा एंड दूसरा हमें चाहिए -52 अब -52 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से जा रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का वैल्यू ये रहा 1001011 अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये 11 आ गया जीरो कैरी वन अब ये तीन वन मतलब थ्री हो जाता है इसमें सम भी वन रहता है कैरी भी वन रहता है ये भी वन आ जाएगा इज 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 सम सम कैरी वन, one, one is, is, जीरो, कैरी एंड ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये जो साइन बिट है ये क्या है वन है दिस टेल्स यू कि हमारा नंबर क्या है हमारा जो आंसर आया वो क्या है नेगेटिव है और ये जो मैग्नीट्यूड हमें मिला है ये अभी भी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो ओरिजिनल नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसका हमको क्या लेना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा ध्यान से समझिए अगर आपका आंसर वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो उसका आप वापस से वन या टू कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए आपको ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा तो ये जितने भी बिट्स है इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे को इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा सो वन जीरो जीरो है तो ये बन जाएगा जीरोन आप देखोगे ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पे जो हमें आंसर आया था ये मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो नंबर क्या आ गया सेम आ गया मैग्नीट्यूड बट यहाँ पे आंसर क्या आ गया नेगेटिव एज एक्सपेक्टेड बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस फिफ्टी टू है फिफ्टी टू है माइनस तो आंसर भी हमारा नेगेटिव आएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस ट्वेंटी फाइव आई होप ये पार्ट क्लियर है आपको एंड अराउंड कैरी अगर जनरेट हुआ इसको क्या बोलते हैं एंड अराउंड कैरी अगर जनरेट हुआ तो इसको आप ले जाके ऐड कर देंगे और आपको आंसर इन दैट केस पॉजिटिव मिल जाएगा अगर एंड अराउंड कैरी नहीं जनरेट हुआ तो ये आपका आंसर है नेगेटिव में है और इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा Once again, once लगा के, to get the हमारे पास फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी उसको हम फिफ्टी टू प्लस ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन कर देंगे और ये अब हम टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं so सो पहला आ जाएगा प्लस फिफ्टी टू और फिर हम ले लेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन दोनों आएंगे टूस में. Again, का का टूस ये वाला मत लेना ले ले प्लीज ठीक है ये नेगेटिव माइनस फिफ्टी टू का रिप्रेजेंटेशन है तो माइनस ट्वेंटी सेवन का टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमने यहाँ पे निकाला था वी विल कॉपी दिस जस्ट सिंपली ऐड करना है इसको तो ये ये आ जाएगा कैरी जनरेट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट में इसमें आपको याद रखना है कि वी हैव टू ऑलवेज डिस्कार्ड दी कैरी तो ये कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे तो बचा जो नंबर है वो हमारा फाइनल आंसर है जैसा कि आप देख सकते हो साइन बिट आपका जीरो है मतलब आंसर क्या होगा पॉजिटिव और ये उसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड जैसा कि आप देख सकते हो सेम आ रहा है जीरो डबल वन जीरो जीरो वन विच इज नी फाइव तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया प्लस ट्वेंटी फाइव एज एक्सपेक्टेड वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कैरी को एंड अराउंड कैरी बोल के ऐड कर रहे थे एल एस बी से यहाँ पे कैरी को कुछ लेना देना ही नहीं है उसको आप डिस्कार्ड कर देने का सेकेंड पार्ट भी क्विकली देख लेते हैं जहाँ पे छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम माइनस कर रहे हैं सो ट्वेंटी सेवन में से हमको फिफ्टी टू माइनस करना है सो प्लस ट्वेंटी सेवन का वैल्यू यहाँ पे है 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, और -52 हमने फॉर्म में यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ ये वैल्यू लेना है वन जीरो जीरो डबल वन डबल जीरो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं क्विकली सो वन 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 इज जीरो वन अगेन वन वन इज जीरो कैरी वन ये भी वन और ये वन आ गया तो अब ये जो हमारा आंसर है इसमें ये जो साइन बिट है ये वन आ गया इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है नेगेटिव है और ये जो मैग्निट्यूड है ये अभी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो इसका हमको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा तो जब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेके प्लस वन कर सकते हो या फिर अगर आपको पता है टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली ले कैसे लेते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट लेने का तरीका क्या है आप एल एस बी से नंबर्स कॉपी करिए जब तक तो पहला वन नहीं आता पहला ही बिट वन है तो वो मैं वन लिख दे रहा हूँ और बाकी को हमें इन्वर्ट करना रहता तो ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ना वाइज यू कैन सी हमारा मैग्नीट्यूड सेम आ गया जीरो वन वन जीरो ज़ीरो वन विच इज़ ट्वेंटी फाइव लेकिन अब ये क्या है नेगेटिव है सो so, हमारा आंसर आ गया एज एक्सपेक्टेड माइनस 25 आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते थे 0110001 वंस कॉम्प्लीमेंट लेके प्लस वन कर देते तो भी सेम आंसर आ जाता तो ये हो गया हमारा फाइनल टूज कॉम्प्लीमेंट एज यू कैन सी सेम नंबर आता तो दोनों मेथड है जो आपको जमता है वो आप तो यूज करना चाहिए आई होप आपको अभी क्लियर है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे यूज करते हैं सब्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो इन दी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच